अस्सलाम वालेकुम। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबा मुकम्मल ना होने से पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर जुर्माना होने का खदशा। अमेरिका से मुतालबा किया है ईरान से गैस के असूल के लिए पाबंदी पर नज़रसानी करे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को वजारत पेट्रोलियम की ब्रीफिंग। दोस्तों, 18 अरब डॉलर जुर्माना होने का खदशा। ईरान से गैस के असूल के लिए पाबंदी पर नज़रसानी की जाए। पाकिस्तान ने अमेरिका से बाकायदा मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बुध के रोज़ कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अजलास के दौरान पाक ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबे से मुतालिक अहम इंकशाफात किए गए। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान की ज़ेर सदारत होने वाले अजलास में कमेटी के अरकान समेत मुतल्लिका सरकारी इदारों के अफसरान ने शिरकत की। अजलास में पेट्रोलियम डिवीजन के 2021 और 2022 के ऑडिट एतराजात का जायज़ा लिया गया, जबकि पाक ईरान गैस पाइपलाइन से मुतालिक भी ब्रीफिंग ली गई। इजलास के दौरान सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने बताया कि माहदे के मुताबिक पाक ईरान गैस लाइन मनसूबा बर वक्त मुकम्मल ना करने पर पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर का जुर्माना हो सकता है। ईरान से गैस लेने पर पाबंदी हम वो नहीं ले सकते, जबकि अगर हम ईरान का प्रोजेक्ट मुकम्मल करके गैस नहीं लेते तो पाकिस्तान पर जुर्माने होंगे। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अमरीका से भी बात की है, इसमें रिलीफ भी मांगा और बताया है कि इतनी बड़ी पेनल्टी नहीं दे सकते। हमने अमरीकी सफ़ीर को बताया है कि हमें इजाज़त दें या फिर 18 अरब डॉलर्स दे दें ताकि हम जुर्माना अदा कर सकें। वजारत खारजा अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर बताया कि पाकिस्तान को पाक ईरान गैस पाइपलाइन में 18 अरब डॉलर नुकसान होगा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने मजीद बताया कि टॉपी मनसूबे में सेफ्टी और सिक्योरिटी का इशू है। अफगानिस्तान में पाइपलाइन बिछाने के बाद सेफ्टी और सिक्योरिटी मसला है। सिक्योरिटी गारंटी मांगी जाती है। रूस के साथ भी 3-4 माह में काफ़ी इजलास हो चुके हैं। नूर आलम खान ने पाक ईरान गैस मनसूबे में हायल रुकावटों के हवाले से कहा कि अमरीका में 18 अरब डॉलर्स का रिलीफ दे या हमें इस माहदे पर अमल दरामद की इजाज़त दे।